दोस्तों, ये हमारा यार का सेंट्रल पैकेज ऐसी है, देख लीजिए। इसमें प्रॉब्लम है कि बार बार ELCB ट्रिप आते हैं, जो ही ऑन करो ELCB को तुरंत ट्रिप हो जाएगा। अब क्या प्रॉब्लम है, चलो देखते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्यों ट्रिप होता है ELCB। वैसे तो ELCB ट्रिप कब होता है, जब या तो आपका न्यूट्रॉन या फेस कोई भी बॉडी से टच हो तभी आपका ट्रिप होता है। लेकिन देखते हैं, इसमें टेक्नीशियन हम ही हैं बस सभी फिलहाल, तो हमको ही चेक करना पड़ेगा क्या क्या प्रॉब्लम है, वो चेक करके बताते हैं आप लोगों को। बने रहिए मेरे साथ दोस्तों, थैंक यू, वेलकम दोस्तों। ये देख लीजिए वायर जो है जाता है, ये रहा, देखिए ELCB जो है ट्रिप है। मैं अभी आप लोगों के सामने ELCB ऑन करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। देखिए देखो दोस्तों, इस मशीन का ELCB देखिए अभी आप है, ये भी आप करके रखा हुआ है, बोल रहे हैं कि ELCB जो है बार बार ट्रिप होता है, तो ठीक है मैं आपको ऑन करता हूँ, ये देखता हूँ। कभी भी पहले अगर ELCB बार बार ट्रिप हो रहा है और MCB भी साथ में है, दो ELCB और MCB है, तो सबसे पहले देखिए इसको टेस्ट करने के लिए मैं चेक कर रहा हूँ, तो इसको ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद इसको मैं उठाऊँगा, तो इसको MCB ऑन करता हूँ, ELCB देखिए ऑन किया, ट्रिप हो गया। आप लोगों के सामने टेस्ट किया मैं, ट्रिप हो गया है। ये नहीं कि ये ऑन कर दिया फिर इसको ऑन ऐसे ज़बरदस्ती, कभी भी नहीं करने का, ठीक है। देखता हूँ दोस्त क्या प्रॉब्लम है, आप लोगों को दिखाता हूँ। ओके, ये देख लीजिए, ये न्यूट्रल है, जो ये मशीन से हमारा मशीन में जा रहा है न्यूट्रल मशीन में, और ये जो न्यूट्रल है, ये जो न्यूट्रल है हमारा मेन पैनल बोर्ड से आता है, जो अपना इलेक्ट्रिक सप्लाई मेन अब पूरा घर में आया है वहाँ से आया हुआ है। देख लीजिए इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, मशीन को मैंने चेक कर लिया है हर चीज़, उसमें किधर भी अपना न्यूट्रल या फेस किसी भी कहीं भी बॉडी से टच नहीं है। अब देखता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ क्या प्रॉब्लम है। कभी भी जो है ये न्यूट्रल का वायर है ना, ये जो जा रहा है यहाँ से जा रहा है, ठीक है, तो ये जो वायर है जो मशीन को जाता है न्यूट्रल, न्यूटन वायर जो है जो मशीन को जाता है, वो हमेशा नीचे की तरफ होना चाहिए। ELCB है, देखिए ऐसे अभी ELCB आप है, तो यहाँ पे लिखा है न्यूटन, यहाँ पे न्यूटन लिखा है, तो न्यूटन जो देख रहे हैं ना वहाँ पे ही लगाना चाहिए अपना न्यूट्रल वायर को, और यहाँ से मशीन को जाना चाहिए, और जो अपना मेन पैनल से आता है वो देखिए, मेन पैनल से जो आता है वो वायर जो है यहाँ से आना चाहिए। देखिए आया हुआ है, देख लीजिए ये अपना मेन पैनल से आया हुआ है वायर, मेन पैनल से आ करके फिर इसमें ऊपर लगा है, तो हमेशा ऊपर की तरफ, देख लीजिए लिखा हुआ है ये आप देख रहे हैं, देख लीजिए RCM 4433। इसके बारे में ELCB के बारे में आप लोगों को बाद में बताऊंगा, लेकिन जो भी है मेन जो ये न्यूटन वायर है, जो मेन न्यूट्रल वायर है वो हमेशा ऊपर लगाना चाहिए, और जो मशीन को जाता है लोड, जो लोड जहाँ पे रहता है लोड को, मतलब किसी भी लोड को आप दे रहे हैं तो नीचे से देना है, तो आपका ट्रिप नहीं होगा। बस प्रॉब्लम यही था कि हमारा न्यूट्रल वायर जो लोड को जाना चाहिए वो ऊपर था, और जो आ रहा है मेन पैनल से हमारा न्यूट्रल वायर वो नीचे लगा हुआ था, इधर लगा हुआ था ऐसा, तो प्रॉब्लम बस यही है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। हमारा काम इतना ही बस किया है कि ऊपर न्यूट्रल वायर ऊपर कर दिया, जो मेन पैनल से आता है न्यूट्रल वायर वो ऊपर कर दिया, और जो लोड को जाता है AC को जाता है वो नीचे कर दिया। देख लीजिए ये वायर इधर से नीचे जाता है, इसको इधर जाता है, तो यही बस किया है और कुछ भी नहीं दोस्तों। देख लीजिए आप लोगों के सामने मैं ऑन करता हूँ, अभी मशीन चलेगा, देख लीजिए हमारे दोस्तों ये मशीन चालू हो गया है, ये मशीन चलने लगा है, अभी मशीन चल रहा है। ऐसे ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल की घंटी को जरूर दबाएं।